अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो है रे का खानदान। इससे पहले मैं आपको खानदान के बारे में पढ़ा चुकी हूँ। आज जो खानदान है हरूफ तहजी में टोटल चार खानदान है, जिसमें आज हमने रे के खानदान के बारे में पढ़ना है। रे हर्फ जो है वो कहाँ पर लाइन से ऊपर रहता है और कहाँ जो है वो लाइन से नीचे आ जाता है। बहुत से हरूफ के साथ रे जो है वो मिलकर लाइन के ऊपर ही रहता है, वो सीढ़ी बना के स्टेप बना के ऐसे और लाइन के ऊपर रहता है। लेकिन कुछ हरूफ के साथ मिलकर वो आड़ी लकीर लेते हुए लाइन से नीचे आ जाता है। तो आज हम वो हरूफ पढ़ेंगे जिनके साथ वो मिलकर रे जो है मिलकर लाइन रे, जैसे कि शरारती हरूफ हम पढ़ चुके हैं कि रे के बाद कोई हर्फ जो है उसको नहीं मिला सकते। रे जो है वो आखिरी हर्फ होता है, जब भी हम कोई लफ्ज लिख रहे होते हैं तो रे के बाद हम किसी हर्फ को नहीं मिला सकते, क्योंकि रे एक शरारती हर्फ है। तो रे पे रुक जाता है लफ्ज जब हम हरूफ को आपस में मिला रहे होते हैं, तो रे वो आखिरी हर्फ होता है। तो क्या कहाँ पर वो लाइन से ऊपर रहेगा और कहाँ से वो लाइन पर नीचे रहेगा। तो चलिए चल के पढ़ते हैं कि रे जो है वो कहाँ पर लाइन से ऊपर रहेगा और कहाँ से लाइन से नीचे चला जाएगा। जी, यहाँ पर मैंने जो है लिख दिया है रे का खानदान, और उसके बाद अब हम देखेंगे कि रे का खानदान, अब रे का खानदान में कौन कौन से हरूफ हैं। खानदान हम पहले पढ़ चुके हैं, रे रे जे ये, ये चार हरूफ हैं रे के खानदान में। तो रे के खानदान, रे का खानदान जो है वो कहाँ पर लाइन के ऊपर ही रहता है, सीढ़ी के स्टेप की तरह शेप बनाकर, ठीक है। सबसे पहले किसके साथ, बे का खानदान। अच्छा, बे का खानदान, जैसे हमने खानदान पढ़े थे, चार खानदान हमने पढ़े थे, बे का खानदान, जीम का खानदान, दाल का खानदान, रे का खानदान। रे के खानदान के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि वो कहाँ पर लाइन से ऊपर ही रहता है। अब रे का खानदान जो है जब वो बे के खानदान के साथ मिलेगा तो लाइन से ऊपर ही रहेगा, मतलब सीढ़ी बनाकर वो लाइन के ऊपर ही रहेगा। जब जीम के खानदान से मिलेगा तो भी लाइन के ऊपर ही रहेगा। उसके बाद हमने जब खानदान पढ़े थे उसमें हमने चार खानदान, छह जोड़े और आठ अलग हरूफ पढ़े थे, ठीक है। अगर आपको इनकी समझ नहीं है तो आप मेरे हरूफ तहजी के खानदान वाले वीडियो देखेंगे तो उसे आपको समझ आ जाएगी। अब बे का खानदान और जीम का खानदान, ये दो टोटल हमारे पास चार खानदान हैं। उनमें से दो खानदान जो हैं उनके साथ जब रे का खानदान मिलता है तो लाइन से ऊपर रहता है। हमारे पास चार खानदान थे जिनमें से दो खानदान बे और जीम, इस खानदान, अब जीम के खानदान में कौन से रूप है, जीम चे हे है, इनके साथ भी जब रे मिलेगा तो लाइन से ऊपर रहेगा। अब आ जाते हैं जोड़े, हमने कितने जोड़े पढ़े हैं हरूफ तहजी में, छह जोड़े पढ़े हैं। उन छह जोड़ों में से सिर्फ एक जोड़ा ऐसा है जिनके साथ जब रे का खानदान मिलता है तो लाइन से ऊपर ही रहता है। उसके बाद हमने पढ़े अलग हरूफ, अलग हरूफ हमारे पास कितने थे, आठ, आठ अलग हरूफ थे हमारे पास। उन आठ अलग हरूफ में से चार अलग हरूफ हैं हमारे पास जिनके साथ रे का खानदान जब मिलेगा तो लाइन से, सॉरी, जो लाइन से ऊपर रहेगा, जिनमें कौन कौन से हरूफ हैं, लाम, मीम, छोटी ये, बड़ी ये, ये चार अलग हरूफ हैं जिनके साथ जब रे का खानदान मिलेगा तो ऊपर ही रहेगा लाइन से, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ से बताती हूँ बे, अब ये बेक जो है बे के साथ जब मिलेगा रे का खानदान तो ये लाइन से ऊपर ही रहेगा, इसको लाइन से नीचे नहीं लेकर जाना। बे के खानदान में बे, पे, ये लाइन के ऊपर ही रहेगा। मेरे बे के खानदान में क्या है, ते, ते, से, ये हो गए बे के खानदान में। अब इसमें चाहे रे रे जे, ये रे के खानदान में तमाम हरूफ, रे रे जे ये चारों हरूफ जो हैं जब ये रे के बे के खानदान से मिलेंगे तो लाइन से ऊपर रहेंगे। इसी तरह जीम के खानदान से मिलेंगे तो भी ये ऊपर ही रहेंगे, जीम चे हे है तब से। उसके बाद है काफ, गाफ का जोड़ा, उसके साथ भी जब ये मिलेंगे तो ये लाइन से ऊपर ही रहेंगे। अगर काफ से मिलेंगे तो भी सीढ़ी बनाकर, अब सीढ़ी मैंने आपको बताया ना कैसे रे बनाता है, ये जो भी पहले हर्फ हाफ मिला रहे हैं उसकी छोटी शक्ल, जैसे काफ कर लें और उसकी, ये काफ की छोटी शक्ल, उसके बाद ये इसने सीढ़ी बना ली, जैसे स्टेप्स स्टेयर्स के होते हैं उस तरह की शेप बनाकर ये लाइन से ऊपर ही रहता है। जब भी मिलेगा ये किससे, बे के खानदान से, जीम के खानदान से, काफ गाफ के जोड़े से, छह जोड़ों में से हमने एक ही जोड़ा लिया है, ठीक है।
काफ काफ के जोड़े से और अलग हरूफ में से चार अलग हरूफ लाम मीम छोटी ये एंड बड़ी ये चार अलग हरूफ और एक जोड़ा और दो खानदान इन इनके साथ जब रे का खानदान मिलेगा रे के खानदान में से कोई भी हर्फ रे रे जे ये इनमें से कोई भी हर्फ मिलेगा तो वो लाइन से ऊपर ही रहेंगे लाइन से नीचे नहीं उतरेंगे ठीक है अब हम आगे पढ़ेंगे जी अब हम वो वाले हरूफ पढ़ेंगे जो जो जिनमें रे जो है वो उनसे मिलेगा तो आड़ी लकीर लेकर लाइन से नीचे आ जाएगा ये वो हरूफ थे अगर आप इनको याद रख लें तो बाकी जितने बचे हुए हरूफ हैं उनके साथ जब रे मिलेगा तो लाइन से नीचे चला जाएगा ठीक है ये वो हरूफ हैं इनको याद रखने का बहुत आसान तरीका है बे का खानदान जीम का खानदान काफ काफ का जोड़ा और उसके बाद चार अलग हरूफ जिसमें लाम मीम छोटी है और बड़ी है ठीक है टोटल अलग हरूफ आठ हैं उनमें से ये चार हरूफ इधर हैं टोटल छह जो हैं वो जोड़े हैं जिनमें से सिर्फ एक जोड़ा है यहाँ पर टोटल चार खानदान हैं जिनमें से दो खानदान हैं यहाँ पर अब उसके बाद हम देखते हैं कौन से जो हैं हरूफ रह गए हैं जिनमें रे जो है वो आड़ी लकीर लेकर लाइन से नीचे आ जाएगा ठीक है अब उसके बाद अब हमने पढ़ लिया अलिफ एक अलग हरूफ में था अलिफ से शुरू करते हैं अलिफ एक अलग हर्फ है अलिफ जो है वो खुद एक शरारती हर्फ है उसके साथ कोई हर्फ मिल ही नहीं सकता तो वो डिलीट हो गया उसके बाद बे का खानदान ये यहाँ आ गया उसके बाद जीम का खानदान वो यहाँ आ गया उसके बाद दाल का खानदान दाल जो है दाल का खानदान भी शराती हरूफ में है दाल दाल जाल तो उसके साथ भी हम रे को नहीं मिला सकते क्योंकि दाल का खानदान रे का खानदान ये शराती हरूफ हैं ये अपने से आगे किसी हर्फ को नहीं मिलाते दाल के खानदान के बाद रे का खानदान जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास छह जोड़े ठीक है छह जोड़ों में से हमने एक जोड़ा यहाँ पर ले लिया बाकी जोड़े हमारे पास पांच बच गए ठीक है तोए जोए का जोड़ा आइन वाइन का जोड़ा फे काफ का जोड़ा अब हमारे पास और कौन सा जोड़ा रह गया है सीन शीन का जोड़ा स्वाद स्वाद का जोड़ा एक दो तीन चार पांच ये पांच जोड़े हमारे पास रह गए हैं अब इनके साथ जब रे मिलेगा तो वो आड़ी लकीर लेकर लाइन से नीचे आ जाएगा अच्छा जी अब ये थे जोड़े अब खानदान जोड़े और अलग हरूफ ये तीन चीजें हैं हरूफ तहजी में अब खानदान में से कोई भी नहीं है ऐसा कोई खानदान है ही नहीं जिसके साथ जो है वो रे लाइन से नीचे जाए जोड़ों में से बाकी जो पांच जोड़े बच गए थे वो तमाम अब आ जाते हैं अलग हरूफ में अब अलग हरूफ में से लाम उसके बाद लाम के बाद मीम ये भी ऊपर है अब हमारे पास क्या बचा है नून उसके बाद वाओ वाओ एक शरारती हर्फ है उसके साथ जो है वो हम रे को मिला ही नहीं सकते वो भी डिलीट हो गया जैसे अलिफ को हमने हटा दिया जैसे दाल के खानदान को हमने हटा दिया क्योंकि वो शरारती हरूफ थे उसके बाद है नून वाओ हे अब हमारे पास बचा है हे ठीक है दो टोटल हम कितने अलग हरूफ हैं टोटल आठ अलग हरूफ हैं जिनमें चार हरूफ जो हैं वो ऊपर चले गए जिसमें रे की लाइन जहां पर सॉरी रे जो है वो लाइन के ऊपर रहता है बाकी जो चार अलग हरूफ रह गए हैं उनमें से दो शरारती हैं जो अपने साथ मिलने ही नहीं देते और बाकी दो रह गए नून और हे ठीक है ये भी यहाँ पर आ जाएंगे अब ये वो हरूफ हैं जिनके साथ जब रे का खानदान मिलता है तो अपनी जो है वो आड़ी लकीर बनाकर लाइन से नीचे आ जाता है अब आड़ी लकीर क्या होता है ऐसे वो शेप बना के थोड़ा सा ऊंचा उठा के बल खा के लाइन से नीचे आना अब मैं यहाँ पे बना के देती हूँ जैसे अब तोए के साथ जब मिलेगा तो तोए की शेप बना के उसको थोड़ा सा ऊंचा उठा के ये इसको कहते हैं आड़ी लकीर और लाइन से नीचे आएगा आइन के साथ मिलेगा तो भी आइन की छोटी शक्ल और उसके बाद ये लाइन से नीचे आ जाएगा उसके बाद फे के साथ भी मिलेगा तो सेम बिल्कुल ऐसे ही फे की शक्ल और फिर ये थोड़ा सा ऊंचा उठाना है बल खा के इसको कहते हैं आड़ी लकीर और फिर ये जाएगा लाइन से नीचे उसके बाद सीन शीन से भी बिल्कुल ऐसे ही
ये फे और काफ दोनों का मुंह एक जैसे ही होता है, बस आप फे एक नुक्ता लगाया है तो फे दो नुक्ते लगाएंगे तो काफ बन जाएगा। उसके बाद है सीन के साथ भी सीन की छोटी शक्ल, और फिर उसके बाद ये ऐसे सीन शीन दोनों की सेम शक्ल है। उसके बाद आ जाएगा स्वाद, स्वाद के साथ भी ये, फिर इसका हम चोशा नहीं बनाएंगे, हम आड़ी लकीर लेके ये लाइन से नीचे। उसके बाद है नून, नून से भी ये आड़ी लकीर लेके नीचे। उसके बाद हमारे पास आखिरी हर्फ बचा है हे, हे के भी हम ऐसे बना के। तो यहां पर जो है रे लाइन से नीचे जाएगा, ये वो बचे हुए हरूफ हैं। अगर आपको हरूफ तहज्जी के खानदान जो है वो याद हो गए हैं, या अगर आपको नहीं पता तो आप दोबारा से मेरी हरूफ तहज्जी के खानदान वीडियो देखेंगे तो आपको ये जो लेक्चर है बहुत आसानी से समझ आ जाएगा, क्योंकि इसको याद करना इंतहाई आसान है अगर आपको हरूफ तहज्जी के खानदान पता है। तो आपने सिर्फ याद रखना है कि कहाँ पर जो है वो रे लाइन से ऊपर रहता है, तो बाकी जितने बचे हुए हरूफ खानदान जोड़े अलग हरूफ जितने भी बचे हुए होंगे उन सब में रे लाइन से नीचे चला जाएगा। और याद रखना सिर्फ दो खानदान है जिनके साथ रे जो है रे का खानदान वो लाइन से ऊपर रहता है, छह जोड़ों में से सिर्फ एक जोड़ा है जिनमें रे का खानदान जो है वो लाइन से ऊपर रहता है, और आठ अलग हरूफ में से सिर्फ चार अलग हरूफ ऐसे हैं जिनमें रे का खानदान जो है वो लाइन से ऊपर ही रहता है। उम्मीद है आपको मेरा लेक्चर समझ आ गया होगा। खुश रहें, मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।